वेलकम बैक टू रात्रिज लाइव कॉर्नर। और काल है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी की पुण्य तिथि पर आज थोड़ी सी प्रस्तुति हमारे घर में चल रहा है, एंड रात्रि इज एन एक्शन। और जब कृष्ण भगवान की बात होता है तो वृंदावन सबके मन में जरूर आता है। बड़ा चित चोरा वृंदावन संचारा, गोपाला गोपाला ये मुरली गोपाला। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या प्रस्तुति चल रहा है हमारे किचन में। क्या चल रहा है अभी? अभी मैं ये चारा यहाँ पे है ना बॉईल करके रखी हूँ, थोड़ा ठंडा करने के लिए दे रही हूँ। क्यों मैं बॉईल करूँगी ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आई नो के बार तुमने बता दिया अब तक, बट फिर मैं बताती हूँ। कल है जन्माष्टमी, मेरे पास गोपाल नहीं है, तो मेरे पास कृष्ण जी है बट गोपाल नहीं है। तो मैं साईं को गोपाल के रूप में मैं कल पूजा करने वाली हूँ, बाकी सारे भगवान तो है ही। एंड इसलिए दो प्रिपरेशन मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी, नेचुरल बात है। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रिपरेशन आप लोगों से शेयर की हो, तो आज भी करूंगी। एंड उसमें से एक है जो बंगाली प्रिपरेशन है, जिसे हम बोलते हैं तालेर बोरा और ताल फुलुरी, वो बनाएगी टागोर। एंड मैं आज बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस एक प्रिपरेशन, जिसे कहते हैं पूरन पोली। तो यस, मैं अपने हिसाब से कल का जन्माष्टमी ऐसे मनाने वाली हूँ, एंड सुबह से आज इसलिए तोड़ जोड़ स्टार्ट हो चुका है, तो मतलब सॉरी तैयारी स्टार्ट हो चुका है। अब तो पसीना पसीना हो गया है। हाँ मतलब अभी इतना देर तक वो उसमें था ना, गैस के सामने था ना, तो इसलिए तो काली भी लग रही हूँ ना मैं ऐसे बोल रही जितने मैं कितना खो रही हूँ मैं। सो एनीवेज, तो अभी बाकी का जो कुछ भी है वो सब करेंगे एंड आप लोगों से शेयर करेंगे। एंड यस, पार्थ तो अपने हिसाब से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, अब हम अपने हिसाब से पूरन पोली एंड तालेर बोरा स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो तालेर बोरा बनाने के लिए हमें चाहिए पका हुआ पाम फ्रूट, बनाना एंड कोकोनट। तालेर बोरा मीन्स पाम फ्रूट का पकौड़ा। सो आप इससे पकौड़ा बना सकते हो या फिर आप पूरी भी बना सकते हो। तो टागोर दीदी, तालेर बोरा बनाने के लिए क्या क्या दे रहे हो आप? इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? केला है। अच्छा, ये अभी केला है, केला ही मिक्स कर रहे हो ना? हाँ हाँ, केला मिक्स कर रही हूँ। और फिर चीनी है, शुगर, हाँ सूजी है। ओके, शुगर सूजी मतलब रावा। हाँ, आटा है। आटा, ओके। वो कोकोनट, कोकोनट जाएगी। ओके, और ये काला जीरा। काला जीरा, ओके। और फिर तल। ओके, इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है। तो टागोर अभी उसी कोशिश में लगी हुई है जितनी अच्छी से इसको मिक्स कर सके। कल रात को मैंने चना दाल भिगो के रखी थी, आज सुबह थोड़ा सा बॉईल कर ली, एंड यस अभी थोड़ा गूंद के डो बना के रखेंगे। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब मैं थोड़ी सी घी इसमें ऐड करूंगी। घी गर्म होने से बॉईल किया हुआ दाल मैं धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब मैं शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। यूजुअली मैं गुड़ ऐड करती हूँ, बट अभी मुझे गुड़ नहीं मिला तो मैं गुड़ नहीं ऐड कर सकी। और थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं फिर से इसमें डालूँगी एंड अच्छे से मिक्स करूँगी। जब तक शुगर अपना मॉइस्चर ना छोड़े तब तक इसको पकानी है अच्छे से। अच्छे से पक जाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। मैदा टागोर ने गूंद के रखी है, अभी मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ इस चना दाल का। बट यस, सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेना मत भूलिएगा।
तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो घर का काम चल रहा है, पार्थो अभी किडो को खाने मतलब खाना दे रहा है क्योंकि उसका खाने का टाइम हो गया, एंड टॉगोर यहाँ पे वो जो आटा गूंथ के रखी थी उसको और भी अच्छे से थोड़ा मतलब आटा गूंथने के बाद ना 20 मिनट्स के लिए हमने ढक के रखे थे, अभी उसको फिर से थोड़ा गूंथ के फिर वो जो हमने जो बॉल्स बनाए हैं उस बॉल को मैदे में डाल के फिर बेलना स्टार्ट करूँगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारा पूरन पोली बन रहा है, एंड इसको थोड़ा मैं धीमी आंच में बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। वैसे आज बहुत दिनों के बाद बन रहा है मेरे घर में, तो एक्साइटेड तो हूँ, ऊपर से आप लोगों से भी शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं इतना छोटू सा लेके रखी हूँ ना ताकि आप लोगों को ये दिखे तो मैं ऐसे ऐसे बात करूँ आप लोगों से। मैं थोड़ा थोड़ा करके घी से फ्राई कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग तेल से भी फ्राई कर सकते हो। टॉगर को मैंने बोला कि पूरन पोली अगर पतला हो जितना पतला हो उतना अच्छा है, बहुत ही हल्के हाथों से बेलना चाहिए। और ये महाशया पार्थो की भाषा में बोला जाए तो ये इतनी पतला कर दी इसको कि ये खुद मतलब फिर उठा नहीं पा रही है यहाँ पे डालने के लिए। सब कुछ प्रैक्टिस की बात होती है, तो पूरन पोली बनाना भी प्रैक्टिस की बात है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे जितना आप बनाओगे उतना ही आप अच्छे से करते रहोगे। वो बना दिया हमने की नहीं, मैं भी बना सकता, मैं भी बना सकता। अब वो तो नमूना दिख रहा है, अब कितना बनाते हो ना। अब बदनामी कर रहे हो मेरा, हाँ बदनामी कर रहा है ना। भी कहा है जो बदनामी, डंके पे चोट पड़ी है सामने फौज खड़ी है, कृष्ण ने कहा अर्जुन से प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर ना प्यार जता दुश्मन से। ये मेरे पास युद्ध करने के लिए चीज है, आपके पास कुछ है? मेरे लिए हाँ काफी है, न सर तेरे लिए। ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करेंगे, बट उससे पहले मैं जरूर ये बात बोलना चाहूंगी कि अभी सुबह से शाम हो चुकी है, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम लोगों को कितनी सारी क्या कहते हैं परिश्रम मेहनत करनी पड़ी। सो यस, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, एंड यस अगर आप लोग घर में ट्राई करोगे तो प्लीज 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 कॉमेंट करके जरूर बताना यार, बहुत बार बोल चुकी हूँ आप लोग करते नहीं हो। बट यस, इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करने वाली, मैं फिर से आप लोगों की दिमाग खराब करने आऊंगी। सो टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी, कल बहुत अच्छे से गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, लव यू ऑल, गुड नाइट, टाटा।